हेलो डियर ब्यूटीफुल लर्नर्स, लर्न केमिस्ट्री विद लाफ चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। बेटा, बोर्ड एग्जाम का दौर चल रहा है। आज हम केमिस्ट्री में 12th लेवल यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और भी बहुत सारे बोर्ड्स के लिए आज फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस का धमाका करने वाले हैं। फिनॉल की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको आपको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। प्यारे बच्चों, आज फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस पर डिस्कस करने वाले हैं और निश्चित तौर पे आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें इसमें से आप लिख लीजिएगा। भाई साहब, आप पेपर वाले दिन मुझसे बात कर लेना, कमेंट्स में लिख देना। मैं बोल रहा हूँ 2024 में यहाँ से आज की क्लास से कम 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं, ये आपसे वादा करता हूँ। यू विल फाइंड 2 or 3 मार्क्स इन कमिंग एग्जाम्स 2024। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। बेटा, सबसे पहले फिनॉल के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा व्यू दे दे रहा हूं आपको, है ना। फिनॉल, सबसे पहली बात आती है कि फिनॉल है क्या गुरुजी? तो वास्तव में बेटा फीन प्लस ऑल, फीन प्लस ऑल, एक्चुअल में जो सफिक्स होता है OH के लिए जो सफिक्स लेते हैं वो ऑल लेते हैं, ठीक है। और फीन क्या होती है? फीन होता है बेटा बेंजीन रिंग के बाद एक एच एटम निकलने पर जो बचता है ना पार्ट, ये फीन कहलाता है, फीन। तो फीन प्लस ऑल बोले तो फिनॉल, फिनॉल की फीन की ई हटा के ऑल जोड़ देते हैं और ये फिनॉल बन जाता है। तो फीन ये हो गया, ऑल हुआ चिपका, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये हो गया ऑल, ये हो गया फीन। और फीन और ऑल कंबाइन करके क्या बना दिया हमने? फीन प्लस ऑल, फिनॉल। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दिस पार्ट इज फीन। बेटा जी इसको फाई भी बोलते हैं, बेटा जी ऐसे लिखते हैं हम फाई OH, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। यानी फाई बोले तो C6H5, फीन बोले तो C6H5, समझ गए होंगे आप अच्छे से, ठीक है। चलो, अब फिनॉल जो होता है वो एक कंपाउंड का नाम नहीं है भाई साहब। फिनॉल एक पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम नहीं है, ये तो एक पूरी क्लास का नाम है जिसमें फिनॉल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। चूंकि ये पहला मेंबर है इस सीरीज का, इस फिनॉल सीरीज का, बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास, दिस कैटेगरी, सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस फिनॉल। वास्तव में प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ा है तब उन कंपाउंड्स को, सभी कंपाउंड्स को फिनॉल्स पुकारा जाता है। ये बात दिमाग में रखना, फिनॉल्स लिख रहा हूं मैं, अगर एक कंपाउंड होता तो फिनॉल लिखता मैं, फिनॉल्स लिख रहा हूं बहुत सारे। दोज कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक टू द बेंजीन रिंग कार्बन, ऑल आर नेमली एज कॉल्ड एज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट? फिनॉल्स। क्लियर? अब बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का पहला सदस्य होने के कारण किसी को कह दिया कि तुम ही फिनॉल हो। जैसे किसी व्यक्ति की 4 संतान हो, किसी दंपति की, किसी माता पिता के 4 बच्चे हो, उनमें पहला बच्चा हो, तो हिंदू धर्म में एक कस्टम है, रिवाज है कि महिला अपने पुरुष का जो हस्बैंड है उसका नाम नहीं पुकारती, तो पहले बच्चे के नाम से ही पुकारती है। मान लीजिए पहली संतान मोहन पैदा हुआ या रोहन पैदा हुआ, तो जो उसकी माँ है रोहन की, उसके रोहन के पापा को किस नाम से पुकारेगी? या तो मोहन के पापा या रोहन के पापा। अब और भी बच्चे पैदा हुए, और भी बालक पैदा हुए, उनके नाम से नहीं पुकारेगी, तो कुछ दिमाग लगाओ
पापा तो उनके भी हैं, जो और बच्चे हैं पापा तो उनके भी हैं, वही जो रोहन के या मोहन के हैं, लेकिन माँ किसके नाम से पुकारती है, रोहन के पापा या मोहन के। तो इसी बात को खोपड़ी में अपने में बिठाओ, दिमाग में बिठाओ कि पहला मेंबर होते हुए ये, इसी के लिए वे सारे कंपाउंड्स फिनॉल कहलाए जिनमें बेंजीन रिंग डायरेक्टली चिपकी हो, किससे, बेंजीन रिंग के कार्बन से, OH ग्रुप डायरेक्टली चिपका हो, उन्हीं को फिनॉल कहते हैं। वास्तव में इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन होना चाहिए था और होता भी है, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी पुकार सकते हैं इसको। भाई साहब इसको कार्बिनॉल भी पुकारते हैं, कार्बिनॉल, क्योंकि रंगे नामक वैज्ञानिक ने इसे कोलतार से प्राप्त किया था, कोलतार से। तो फिनॉल्स फीन प्लस ऑल के नाम से आया, हाइड्रोक्सी बेंजीन इसलिए कहते हैं हाइड्रोक्सी और बेंजीन, ठीक है। कार्बिनॉल क्यों कहते हैं बेटा जी, इसको कोलतार से रंगे नामक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कार्बिनॉल। ओके चलो, आज हम हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बिनॉल की रिएक्शंस को आपको डिस्कस करने वाले हैं, तो केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। पहली रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद एनए मेटल, ध्यान से सुनेंगे, सोडियम धातु, यानी रिएक्टिव मेटल कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, रिएक्टिव मेटल, जिसमें सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, क्योंकि यही Na फॉर नालाइक और K फॉर कमीना, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सोडियम धातु के साथ या Na मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो C6H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस Na गिव्स आउट C6H5ONa प्लस, एक H बैलेंस करना है तो हमें हाइड्रोजन गैस के रूप में चाहिए, तो आधा H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस कंपाउंड का नाम, दो नाम है बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो इसको कहते हैं फिनोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, ध्यान से सुनना बेटा जी। यह इसका एक और नाम है सोडियम फिनेट भी पुकार देते हैं इसको, ठीक है जी। हाँ बेटा ध्यान से सुनो, आपके गुरुजी हमें आधा H2 नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें दो का गुणा, दुगना कर दो सबको, इसमें दो का गुणा कर सकते हो, इसमें भी दो का गुणा कर सकते हो, इसमें भी दो का गुणा कर सकते हो, और आधे में आपने दो का गुणा किया मेरे दोस्त, तो मन ही तो बचेगा, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, मन लिख सकते हो, मन H2। यदि आपने हमें वही चाहिए, हठधर्म कर जाओ कि गुरु जी हमें तो वही चाहिए, तो भाई साहब इस बार दो का भाग दे दो, अब वही चाहिए आपको, तो एक में दो का भाग दे दो, तो बाबू दो से तो कट गया, एक बार एक ही तो होता है, दो से तो कट गया एक बार तो एक ही तो होता है मोल, यहाँ भी दो से तो कट गया, और बाबूजी एक में दो का भाग लग गया, तो वही आ गया आधा H2, समझ में आ गया होगा, बत्ती जल गई होगी दिमाग की। चलिए ये रिएक्शन समझ में आ गई, तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ जो H है वो एसिडिक नेचर की है, रिएक्टिव H है, याद रखना रिएक्टिव H क्या होती है, रिएक्टिव H की परिभाषा दे दे रहा हूँ, सक्रिय H हिंदी में कहते हैं रिएक्टिव, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टिव या एक्टिव H, और हिंदी में कहते हैं सक्रिय। पिता और पुत्र से, फादर और सन से, बुद्धि में रखना भाई, बहुत जबरदस्त फंडा बताने जा रहा हूं। फादर F और फादर SOON, सन, पिता और पुत्र से जुड़ी हुई हाइड्रोजन हमेशा रिएक्टिव H कहलाती है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन है ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये चारों एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये क्या करते हैं H के साथ बॉन्डिंग होते हैं, तो H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, उसको लात मार के भगा देते हैं, उसके प्रोटॉन को अपनी ओर खींच देते हैं, उसे पॉजिटिव बना के खुद नेगेटिव बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, तो उसे प्रोटॉन के रूप में या एक्टिव H के रूप में भगा देते हैं, तो एक्टिव H ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही एक्टिव H है, ये दिमाग में रखना। तो यहां से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जुड़ा है बेटा, देखो ये ऑक्सीजन के साथ है कि नहीं H, मैं कह रहा हूं फादर और सन, फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो मेरी ट्रिक है भाई, ये तो मेरी ट्रिक बनाई है मैंने, फादर सन बोले तो फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट्स है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। प्यारे बच्चों किससे जुड़ा है H, O से, देखो मैं O बोल रहा हूँ, तो ये रिएक्टिव H हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर अट्रैक्ट हो जाएगा, O के पास, या क्या जाएगा प्लस,
अब Na आएगा तो क्या करेगा, Na पिक्चर में आएगा, ध्यान से सुनना, Na एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Na पॉजिटिव बनेगा क्योंकि Na 2-8-1 होता है, या 2-8 ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल नहीं था एटम, ये आयन स्टेबल हो गया। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसने एक्सेप्ट कर लिया, एच प्लस ने, एच प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके भाई साहब क्या हो गया, एच में बदल गया, तो यही एच आधे एच टू के रूप में तो है क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म है, रिएक्टिव एच जो है, जो एच निकली है यहां से रिलीज हुई है वो गैस के रूप में होगी, लेकिन यहाँ एटम के रूप में आ रही है, नेसेंट एच के रूप में, इसलिए वहां हाइड्रोजन गैस आधा अणु ले लिया जाएगा बैलेंस करने के लिए। ये समझ में आ गया होगा पूरा चिट्ठा, आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक रिएक्शन आपको मैंने बता दी मेटल के साथ, तो इस रिएक्शन से ये क्लियर हो गया कि फिनोल एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि एचआयन रिलीज कर रहा है, और वे पदार्थ जो एचआयन रिलीज करते हैं और जो रेस्ट पार्ट बचता है एचआयन रिलीज करने के बाद, और वो रेजोनेंस के द्वारा अगर स्टेबल हो जाता है तो वो एसिड्स कहलाते हैं, तो फिनोल एक एसिडिक नेचर का होता है, ये बात ध्यान रखना बाबू, ठीक है। तो पेपर में आ जाए फिनोल अम्ली होता है, दो समीकरण देकर स्पष्ट करो, तो एक समीकरण तो यही हो गई भाई साहब, फिनोल अम्ली प्रकृति का होता है, कैसे सिद्ध करोगे, तो क्या किया उसने, ओ से, ओ ने जो एच और एच के जी बॉन्डिंग थी ओ और एच के बीच, वो ओ पर क्या कर दिया उसने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ली ओ ने अपनी, और एच को भगा दिया प्रोटॉन के रूप में, तो ये प्रोटॉन जो रिलीज करते हैं पदार्थ वो एज ए एसिड काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी रिएक्शन है बेटा जी, रिएक्शन विद NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं बेटा, NaOH के साथ, ये बेटा एक बेस होता है, ये बेस की तरह काम करता है, आपको सबको पता है, तो C6H5OH प्लस HONa लिख रहा हूं, मैं उल्टा लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, NaOH को कैसे लिख रहा हूं, HONa, यहां से क्या रिलीज होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा, यहां से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा, एच आयन और ओएच आयन मोहब्बत करके क्या निकाल देंगे, पानी के रूप में चले जाएंगे भाई साहब, बारिश कर देंगे झमझमा झमझम, एच आयन और ओएच आयन, अब क्या करेगा, एन ए इस पर अटैक मार देगा, क्या बनेगा, C6H5ONa, यहाँ भी वही बनेगा जो अभी हाइड्रोजन, जो अभी एन ए मेटल के साथ रिएक्शन हुई थी, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड बन गया भाई साहब, वहां H2 निकली थी गैस, यहाँ H2O निकला है पानी, यहाँ से निकल गया पानी, HN और OHN आप देख सकते हैं, मजा आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये क्रिया भी, ये रिएक्शन भी किसके रिगार्डिंग है, कि क्षार से, क्षार क्या कर दे, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा दे, यहाँ से प्रोटॉन को निकाल दे, HN और OHN के रूप में यहाँ से निकाल दे और पानी बना दे, ये बन गया एसिड, ये बेस, ये साल्ट और वाटर, समझ में आ गया होगा, फिनोलिक अम्ली नेचर का है। हम कह सकते हैं रिएक्शन के आधार पर, वी कैन एबल टू से फिनोल इज एन एसिड, फिनोल बिहेव्स लाइक एन एसिड बिकॉज इट रिलीजेस द प्रोटॉन सो क्विकली सो रेडिली, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एन एसिड। ओके चलो चलो समझ में आ गई होंगी। तो ये दोनों रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ और NaOH के साथ, ये दोनों रिएक्शन किसकी फेवर में है, कि फिनोल एक अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय गुणधर्म शो करता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इट आल्सो टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यस ब्लू को किस में बदल देता है, रेड में, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये याद रखना, इट आल्सो टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो जो पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, एसिड की तरह काम करते हैं, ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। चलो तीसरी रिएक्शन में आते हैं बेटा, तीसरी रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद अमोनिया, थर्ड वन, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है जी। ये रिएक्शन जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस ZnCl2, भाई साहब ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्व कर लेता है, डी एडिटिंग एजेंट की तरह काम करता है, डी एनर्जीली कारक, रिएक्शन स्पॉट से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्व कर लेता है। चेक करिए साहब, C6H5OH प्लस अमोनिया के टुकड़े कर दो मेरे दोस्त, HNH2, अमोनिया के टुकड़े कर दिए, देख सकते हैं आप,
NH2 और H, NH3 मीनिंग रहा, यहां से OH, यहां से H, पानी निकाल दीजिए और एरो पे लिख दो जिंक क्लोराइड। ये पानी को पी जाएगा तो बचेगा क्या, C6H5NH2 बचेगा। यहां से देख सकते हैं आप, यहां से जे पार्ट बचा, यहां से जे बच्चा, जे आपस में कंबाइन होकर क्या दे देंगे, एनिलीन दे देंगे। इसके दो नाम है भाई साहब, एक तो एनिलीन है, ये आईपीएससी रिकमेंड एनिलीन पर करती है। इसका आईपीएससी नाम क्या है, एनिलीन। आईपीएससी रिकमेंड यही एनिलीन के नाम से पुकारते हैं, लेकिन दूसरा नाम भी हो सकता है अमीनो बेंजीन, क्योंकि अमीनो ग्रुप है ये, इसको अमीनो बेंजीन भी कह सकते हैं भाई साहब, अमीनो बेंजीन और एनिलीन। लेकिन आईपीएससी इसको एनिलीन के नाम से रिकमेंड करती है, याद रखना। ये ब्लू कलर की होती है, जब ये शुद्ध अवस्था में होती है तो इसका कोई कलर नहीं होता। ये पीजीटी में क्वेश्चन, पीजीटी में 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स एग्जाम में। ये शुद्ध अवस्था में कैसी होती है, कलरलेस, लेकिन वायु में, एयर में आते ही ये ब्लू कलर की हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, सो कलर बदल जाता है इसका, ठीक है। हाँ जी, चलो तीन रिएक्शन हो गई भाई साहब, तीन रिएक्शन, चौथी रिएक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए अगली रिएक्शन है चौथी, रिएक्शन विद पीसीएल फाइव, रिएक्शन विद पीसीएल फाइव, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन, ठीक है जी। थोड़ा देख लेता हूं मैं बेटा अभी, ठीक है, ओके। रिएक्शन विद पीसीएल फाइव, मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना, अगर OH आगे बैठा है और सामने आप पीसीएल फाइव ले आए तो ये बात गांठ बांध लो कि OH की जगह Cl आना है, बस इस OH की जगह कौन आना है, Cl, खत्म काम। ट्रिक समझ लो, ट्रिक, और ट्रिक क्या है, तीन चीज समझ लो। पूरी केमिस्ट्री में ऐसे तीन ही टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास OH होता है। पहले होते हैं फिनॉल, अल्कोहल, अल्कोहल होते हैं ROH, फिर होते हैं फिनॉल, फिर होते हैं एसिड। इन तीन बंदों के पास ही OH ग्रुप होता है बेटा जी। और जब भी PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो PCl5 क्या देता है, क्लोरीन द्वारा OH को रिप्लेस कर देता है और क्लोराइड कंपाउंड बनता है ऑलवेज। ट्रिक समझ लो हमारी, ये पसंद आएगी आपको ये ट्रिक, PCl5 की करामात। PCl5 की आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए भाई साहब। PCl5 के पास तीन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, दो सिंगल लिंकेज होती हैं, दो बॉन्ड पुअर होते हैं, तीन पांच बॉन्ड बनाता है PCl के साथ, तीन बॉन्ड मजबूत होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, दो लिंकेज होती है बेटा हाफ बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड वीक होते हैं। यही रीजन है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में जब इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, PCl5 को गर्म करते हैं तो ये दो टुकड़ों में टूटता है, दो फ्रेगमेंट्स में, एक PCl3 के रूप में और एक Cl2 के रूप में। वो ये रहा, देखो यहां सिद्ध कर दे रहा हूं, PCl3 ये बॉन्ड नहीं टूटे, ये दो बॉन्ड टूट गए, Cl और Cl ने क्या दे दिया, Cl2 दे दिया। समझ में आ गया होगा भाई, तो ये आपको ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं सिखाता हूं आपको, एक मिनट नहीं लगेगी। कभी भी याद रखना, दुनिया का कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास OH एज ए फंक्शनल ग्रुप हो, आप उस पर PCl5 की रिएक्शन कराना चाहते हैं तो एक ही कंपाउंड बनेगा, याद रखना, यूनिवर्सल फैक्ट बोल रहा हूं, क्लोराइड कंपाउंड बनेगा। तो देखो यहां, यहां रख दिया, मैं पूरी रिएक्शन करता हूं, मैं C6H5OH ले रहा हूं सीधे यहां, ठीक है जी। हाँ, PCl5 रिएक्शन कराई तो यहां भी C6H5OH लिख दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं, मैंने OH को थोड़ा बड़ा कर दिया, जूम कर दिया इसको, इस बॉन्ड को तोड़ना है मेरे को और इस बॉन्ड को तोड़ना है, ध्यान रखना ये वाला बॉन्ड। अब PCl5 को यहां ले आओ, PCl3 एक साथ रहने दो, वो हाफ लिंक बॉन्ड और हाफ बॉन्ड ये रहा, तीन टुकड़े हो गए, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा। पहला टुकड़ा हो गया C6H5Cl बनेगा, लिख दो C6H5Cl बन गया क्लोरोबेंजीन। दूसरा टुकड़ा, एक बॉन्ड होगा इधर टूटा, एक इधर टूटा, P, तो POCl3 निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, POCl3, एक HCl निकल जाएगा भाई साहब, तीसरा टुकड़ा क्या निकल जाएगा, HCl। बस मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, या दूसरा नाम भी है फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं बेटा इसको, फिनाइल क्लोराइड, क्लोराइड, लेकिन आईपीएससी नाम कौन है, क्लोरोबेंजीन है। ये भी क्लियर होगी, होगी इसकी ट्रिक है, आपको समझ में आ गई होगी। OH की जगह कौन बैठता है, Cl बैठता है, देखो
इसकी मोहब्बत ये देखो ऐसे बॉन्ड टूटे बेटा, एक बॉन्ड इसका एक बॉन्ड इसका, ऐसे बॉन्ड टूटे बस खत्म काम, इसकी मोहब्बत इससे हो गई। अरे C6H5 ये बॉन्ड नया बन गया, इनके बीच ये नए बॉन्ड बन गए देखो दो, इसके बीच ये बन गया, बस खत्म काम। दिमाग का दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। चलिए पांचवी रिएक्शन पढ़ते हैं, चार रिएक्शन समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, पांचवी रिएक्शन की ओर मूव करते हैं और इस कारनामे को आगे बढ़ाते हैं। बीच में दो लाइन पढ़ देता हूं आपको, सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है, सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है, कभी राजी तो तू कभी खफा लगती है, ए केमिस्ट्री तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। यस आइए रिएक्शन छठवीं, रिएक्शन विद Br2 ओब्लिक CS2। यहां ध्यान रखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, Br2 की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के साथ करा रहे हैं, क्योंकि दो रिएक्शन है इसकी, एक बार रिएजेंट अलग होगा जो सॉल्वेंट होगा वो पानी होगा तब अलग प्रोडक्ट बनेगा, और एक बार Br2 की रिएक्शन CS2 की प्रेजेंस में कराएंगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। देखो सुन लो, दो रिएक्शन है ये, छठवीं की A हो गई और छठवीं की B हो गई, छठवीं की B और छठवीं की A, रिएक्शन विद Br2, यहां भी Br2 ले रहे हैं और लेकिन पानी की प्रेजेंस में लेंगे, यहाँ सॉल्वेंट बदल गया, यहाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यहाँ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ पानी, यहाँ कैसा है नॉन पोलर है। Br2 देखो रिएजेंट तो सेम है लेकिन सॉल्वेंट अलग है तो प्रोडक्ट भी अलग होंगे भाई साहब, प्रोडक्ट भी क्या होंगे डिफर होंगे मेरे दोस्त, प्रोडक्ट्स भी कैसे होंगे डिफर होंगे, प्रोडक्ट भी क्या होंगे डिफर होंगे। अब मजा लीजिए इस बात का कैसे हो गया ये। चलो तो 6A देखते हैं पहले, फिर 6B देखते हैं, ठीक है भाई। कॉपी पेन लेके बैठे होगा सीखना है केमिस्ट्री, नहीं तो भाई साहब समय निकलने के बाद आदमी रोता है, हाथ पे हाथ रखकर रोता है, हाथ पर हाथ रखकर हमको बैठना ये मंजूर नहीं, हाथ पर हाथ रखकर बैठना ये हमको मंजूर नहीं, और मंजिल हमसे दूर है लेकिन हम मंजिल